Let's discuss a forward contract and how the accounting entries are going to be recorded. It's a simple question, but uh, technically, we are not supposed to record any entry in practice. But uh, for the accounting purposes, if we are entering into a contract, so we must record somewhere.

ए एग्री करता है कि मैं आपको ये बारह हज़ार में दे दूँगा और कोई भी प्राइस हो लेकिन आप इसके तेरह इकतीस को आपने इसकी पेमेंट कर ली है मैं आपको इकतीस को दूँगा और प्राइस हमने तय कर ली है द स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट इज टेन थाउजेंड आज अगर आप खरीदते हैं कैश में तो दस हज़ार मिलती है लेकिन आपने इसको बारह हज़ार में सेल करना है सेलर विल रिकॉर्ड ऑन फर्स्ट जनवरी ये बेसिक अकाउंटिंग एंट्री है और लेटर ऑन ये रिवर्स हो जाती है रिसिबल्स डेबिट क्योंकि आपने एक एसेट बेचना है तो जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो हम रिसिवेबल्स को डेबिट करते हैं इस केस में सेल्स एस सच नहीं है और एसेट भी एक बेचना है लेकिन वो भी अभी बिकना नहीं है एक्सचेंज कुछ नहीं हो रहा अभी तो आप सिंपली कॉन्ट्रैक्ट रिसिवेबल डेबिट करें और एसेट ऑब्लिगेशन क्रेडिट करें ये एसेट ऑब्लिगेशन इन सेंस कि आपने अल्टीमेटली इस रिसीवेबल के अगेंस्ट एसेट देना है लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि एसेट आज जो है उसकी वैल्यू है दस हज़ार स्पॉट रेट है दस हज़ार तो जो डिफरेंशियल है आपको वो दो हज़ार का आपने प्रीमियम में क्रेडिट करना है क्लियर हो गई जनवरी में शुरू में जो ही आप करेंगे आपको ये एंट्री डालना पड़ेगा लेकिन थर्टी फर्स्ट मार्च को जाकर इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे एज इट इज़ रिवर्स हो जाएगी रिवर्सल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप एक एडजस्टमेंट डालिए एंड ऑफ द ईयर और उसको आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्सल एंट्री भी हम अकाउंटिंग में पढ़ाते हैं अब सेटलमेंट ऑन मेच्योरिटी अब देखिए आपने उसको एसेट देना और उसने आपको पैसे देने तो आप देखिए कैश को डेबिट करेंगे बारह हज़ार जो तय हुआ है लेकिन आपको मार्केट से एसेट खरीदना पड़ रहा है ग्यारह हज़ार का तो आप फिर ग्यारह हज़ार से एसेट को क्रेडिट करेंगे और गेन क्रेडिट करेंगे एक हज़ार से तो मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आपका एसेट ग्यारह की बजाय तेरह चौदह पंद्रह का हो जाता है तो आपको इतने में ही ख़रीद कर उसको देना पड़ेगा और आपको मिलेंगे बारह हज़ार ही तो उस उस केस में आपको लॉस हो जाएगा तो इस केस में चूंकि आपने ग्यारह का ख़रीदा और बारह में बेचा है तो एक हजार का गेन हो गया बी क्या करेगा बी एक एसेट खरीदने जा रहा है तो वो एसेट को डेबिट करेगा क्योंकि उसने एसेट खरीदना है और लाइबिलिटी को क्रेडिट करेगा कॉन्ट्रैक्ट पेबल को क्रेडिट करेगा और जो डिफरेंशियल है अगेन सेम डिफरेंशियल जो है वो प्रीमियम डेबिट करेगा यानी उसका रिवर्स है वहाँ पर हमने रिसीवेबल डेबिट किया था या हमने एसेट डेबिट किया है वहाँ हमने पेएबल क्रेडिट की और रिसीवेबल डेबिट बारह से किया था तो यहाँ पेएबल क्रेडिट कर रहे हैं बारह हज़ार से तो एंट्री प्रॉपर हो जाती है अच्छा अब थर्टी फर्स्ट मार्च को ये एंट्री फिर रिवर्स हो जाएगी जो बी ने की है एग्जैक्टली सिमिलर आइटम सेम कॉन्ट्रैक्ट पेएबल से डेबिट एट जस्ट से क्रेडिट और प्रीमियम क्रेडिट 2000 अब देखिए ये वो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री नेट ऑफ हो जाती है अब वो एसेट खरीदा जा रहा है तो आपके पास एसेट्स कितने का आ रहा है ग्यारह हज़ार का आपको देने कितने पड़ रहे हैं बारह हज़ार तो बेसिकली आपको एक लॉस हो रहा है वन थाउजेंड का तो आपने एसेट डेबिट किया और लॉस डेबिट किया और कैश क्रेडिट किया तो ये टोटल बारह हज़ार की एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जनरली तो हम एंट्रियाँ रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये ओवर द काउंटर होता है दो पार्टियाँ एग्री करती हैं और वो उसमें ही डील करती जाती हैं एंड ऑफ द डे वो बैलेंस आउट कर लेती हैं लेकिन अगर अकाउंटिंग करनी है तो फिर आपको ये है तरीका कि आप इनको बुक करें और रिकॉर्ड में लेकर कर आएँ और फाइनली सेटल करें एक और बात बता दूँ कि इसमें नॉर्मली एसेट एक्सचेंज भी नहीं होते वो बैलेंस कर लेते हैं आपस में कि मेरा लॉस वाला तो लीए आपको दे तो मेरा प्रॉफिट है तो आप मुझे दे दे यानी इसमें इस तरह से चलते हैं फॉरवर्ड में लेकिन अगर वो एसेट लेना ही भी चाहे तो वो एंट्री हो सकती है कोई हर्ज नहीं है उसमें ठीक है तो दिस इज़ हाउ दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जनरल एंट्रीज जो बनती हैं या अकाउंटिंग एंट्री जो बनती हैं जिस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं तो सिंपल है ये इसे मुश्किल काम नहीं है इतना ज़्यादा कि एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाए जनरली इसको हम कहते हैं कंटिजेंट कंटिजेंट का मतलब होता है कि अक्रिंग ऑन समथिंग यानी आने वाले फ्यूचर वक़्त में कुछ अगर होना है तो उसको हम अब से ही वॉच आउट करें और अभी उसको रिकॉर्ड में आए तो दिस इज़ हाउ बेसिकली दिस कंटिजेंसी आर टेकन केयर इन अकाउंटिंग ऑल्सो सो इन दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट You have seen that we are selling something, somebody is buying something. So, seller is recording receivable, buyer is recording uh, payable, and similarly, the asset in between is also being recorded. Thank you very much.